सब्सक्राइब करें सोलंकी कंप्यूटर को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को भी साथ में दबा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोलंकी कंप्यूटर। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी एक कमाल की ट्रिक्स लेके आया हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे कि आप मोबाइल के यूज़र हो या मोबाइल के आपके पास में शॉप है या मोबाइल के आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो या फ्लैशिंग का काम करते हो या टूल बॉक्स का काम करते हो या रिपेयरिंग का काम करते हो, तो इसके लिए मैं एक शानदार आपको वेबसाइट बताऊंगा। उसके माध्यम से आप अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और वो भी मोबाइल के। जैसे कि आपके पास में कोई भी बॉक्स है, जैसे SW के बॉक्स है या मिरेकल्स बॉक्स है, ठीक है, तो उस बॉक्स के सेटअप से लेके उसकी RM फाइल से लेके उसके डायग्राम से लेके PCB बोर्ड तक, यानी वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। बल्कि आप उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को आप स्किप ना करना और वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए मैं आपको मेन स्क्रीन की ओर लेके जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है GSM होस्टिंग, ठीक है, ये साइड है। आप गूगल में टाइप करोगे gsmhosting.com तो यहाँ पे पहला पेज ये ओपन होगा, यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, ये GSM फॉर्म, ठीक है। अब इसमें नीचे अगर देखते हैं तो देखो सर्विस प्रोडक्ट न्यूज है, मिराकल्स बॉक्स है, अनलिमिटेड मल्टी टूल्स बॉक्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, MRT मोबाइल रिपेयर टूल है और इन्फिनिटी बॉक्स है, ठीक है। तो इस जैसे कि किसी के पास में शोरूम है मोबाइल का, जो सर्विस सेंटर है रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए ये बेटर ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल को आप बेफिक्र फ्लैश कर सकते हो। और मैं इसका 100% रिकमेंडेशन करता हूँ कि मैं ये GSM फॉर्म बहुत अच्छी सर्विस है और इसको मैं कुल मिला के काफ़ी लंबे समय से मैं यूज़ करता हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है। इसलिए मेरी तरफ से भी मैं इसका कोई अलग से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मुझे इसमें कोई बेनिफिट मिला है और नहीं मुझे कोई इसकी तरफ से कोई अलग से कोई ऑफ़र दिया है कि हमारी वेबसाइट का प्रमोट करो। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं इस वेबसाइट को यानी अच्छी तरह से मानता हूँ और मैंने पूरा क्रॉस चेक किया, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और इसका मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि बेफिक्र आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम अभी क्या करना है, GSM फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलो ये मैंने GSM फॉर्म पे क्लिक करा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वेलकम टू द GSM फॉर्म, यू आर करंटली व्यूज आर बोर्ड एज ए गेस्ट विच गिव यू लिमिटेड एक्सेस टू व्यू मोस्ट डिस्कशंस एंड एक्सेस अवर अदर फीचर, ठीक है। ओनली रजिस्ट्रेड मेंबर माई बी पोस्ट क्वेश्चंस कॉन्टेक्ट अदर मेंबर और सर्च अवर डेटाबेस ऑफ अवर 8 मिलियन पोस्ट। इसमें जिस अगर मेंबरशिप का फॉर्म अगर आपने फिल करोगे तो ही आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो और आप कोई भी पोस्ट इसमें डाल सकते हो या आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अपलोड कर सकते हो। तो आप अब आपको क्या करना, क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं निशान करके बता देता हूँ। अब क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू रजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज फास्ट सिंपल एंड एब्सोल्युटली फ्री सो प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है और यहाँ पे हजारों लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक मैं इसके टूल्स के बारे में, डायग्राम के बारे में, सर्विस के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको रजिस्ट्रेशन होने दो, उसके बाद में आपको इसमें पूरी डिटेल्स बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सब मिलेंगे यहाँ पे।
अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोसेस यू मस्ट एग्री विद द फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे इसके रूल्स पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये पूरे रूल्स इसके पढ़ने हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे इस पे आपको चेक मार्क लगाना है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ। उसके बाद में रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे निशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे। ये पेज थोड़ा लोडिंग होगा, तब तक आप वेट करें। अब यहाँ पे यूजर नेम जो भी ये डिटेल्स पूछ रहा है, वो डिटेल हमको फिल करनी है, ठीक है। मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। मेरा तो वैसे तो ऑलरेडी मेरा तो इसमें रजिस्ट्रेशन है, मैं तो आपके लिए ये डेमो बता रहा हूँ। अब यूज़र नेम में जैसे कि मैं कोई भी टाइप करता हूँ, Solanki098, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा, यूजर नेम से लेके पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। कैसे करना है, जैसे मैंने यूजर नेम में Solanki098 लिखा। अब पासवर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर ए पासवर्ड फॉर योर यूजर अकाउंट, नोट द पासवर्ड आर केस सेंसिटिव पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने हिसाब से मैं बना रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है, मैंने कंफर्म भी कर दिया। अब यहाँ पे ऑल एक यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट, वैसे भी ये मेरा मेल आईडी, इसमें मेरे को लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन है, तो मैं दूसरा डाल देता हूँ। मेल आईडी मैं दूसरी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रैंडम क्वेश्चंस फोर से लेके एट, यहाँ पे कोई भी, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है मैं पूरा आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एडिशनल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोफाइल अबाउट योर सेल्फ, ए फ्यू डिटेल अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मैं डाल रहा हूँ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे डाल देते कोई भी, जहाँ पे रहते वो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑप्शन, यहाँ पे डेट फॉर्मेट, यहाँ पे डेट अपने इंडिया की, यहाँ पे यूएस फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 12 घंटे यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेफरेर, If you were referred to this site by existing member of the GSM firm, enter their username, your refer. तो यहाँ पे किसको रेफर करना चाहते हो, तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम जोन भी यहाँ पे कर देते, यहाँ पे लंदन की है तो अपने इंडिया की कर देते टाइम जोन, तो यहाँ पे इंडिया में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टाइम जोन अपने इंडिया की GMT प्लस 5:30 होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट DTS सेटिंग, उस पर क्लिक कर देते, DCA करेक्शन अलवाइज ऑन, ठीक है, यहाँ पे कर देते। अब ये जो
मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मुझे मैसेज भी प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब मैं अपनी आईडी, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैसेज भी आ गया, थैंक यू फॉर लॉगिन इज सोलंकी। ठीक है, अभी ये पेज मेरा रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो मेरी आईडी यहाँ पे शो कर रही है, देखो साइड में। ठीक है, अब आप ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो सर्विस प्रोडक्ट न्यूज़ एंड अपडेट, उसके बाद में IMEI एंड फैक्ट्री कोड सर्विस। ठीक है, जैसे कि IMEI नंबर और फैक्ट्री कोड अगर चाहिए तो यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में टेक की न्यूज़ है, प्रीमियम सेल्स है, एंड्रॉयड बेस है, जैसे कि LG एंड्रॉयड के बारे में है, मोटरोला के बारे में, सोनी एंड्रॉयड के बारे में, HTC के, सैमसंग के, और गेम एंड ऐप भी एंड्रॉयड। ठीक है, उसके बाद में है आईफोन, आईपैड और आईपोड का। ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट का, यहाँ पे एप्पल प्रोडक्ट के यहाँ पे पूरे देखो, iPhone 2 / iPhone 3G / iPhone 3GS, तो यहाँ पे इसके सेटअप फाइलें भी मिलेगी। उसके बाद में अल्काटेल का भी मिलेगा, ब्लैकबेरी का भी मिलेगा, इसके बाद में हवाई कंपनी का भी मिलेगा, HTC का भी मिलेगा, कार्बन का भी सेटअप मिलेगा, लिनोवो का भी फर्मवेयर फाइल मिलेगी, ये जो लिनोवो की। ठीक है, LG का है, माइक्रोमैक्स का है, मोटोरोला का है, नोकिया का है, सोनी एरिक्सन का है, सैमसंग का है जो, और उसके बाद में एक्सोमी है, उसके बाद में ZTE है, वेरियस है, इसके बाद में जो हार्डवेयर, यहाँ पे हार्डवेयर रिपेयर आइटम वांटेड। ठीक है, उसके बाद में LCD है, रैपर 20, उसके बाद में हार्डवेयर इक्विपमेंट ऑफ GSM है, हार्डवेयर रिपेयर बाई ब्रांड है, उसके बाद में GSM मोबाइल लिंक है, GPS डिवाइस नेविगेटर एंड मैप यहाँ पे, और GPS प्रोग्रामिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, जावा, iOS, एंड्रॉयड और सेम्बियन डेवलपर का जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मिलेगा, इसकी फाइलें यहाँ पे मिलेगी आपको। GSM/SDPA मॉडम, उसका भी यहाँ पे रूटेड ड्राइवर मिलेगा। उसके बाद में CDMA मॉडम रूटर, तो यहाँ पे उसका भी, ये CDMA का डोंगल का भी यहाँ पे ड्राइवर मिलेगा। सिम क्लोनिंग एंड स्कैनिंग यहाँ का सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारे अनलॉक कोड भी मिलेंगे, अनलॉक कोड की फाइलें भी आपको यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद में और भी है, मैं आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में है, यहाँ पे देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद में ये जो यहाँ पे बॉक्स भी है, ये बॉक्स भी है देखो, सिमेरा टूल्स है, इजी 56 एडेप्टर है, ईगल आई है, ये यहाँ पे डोंगल है पूरे। उसके बाद में GSM सर्वर प्रोडक्ट है, माइक्रो बॉक्स है, मिराकल है, वॉल्कनो बॉक्स है, और मल्टी टूल बॉक्स है। ठीक है, यानी पूरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, कोई भी वर्ज़न का, कोई भी मोबाइल का वर्ज़न की फाइल यहाँ पे मिलेगी, और PCB बोर्ड, जो मोबाइल के डायग्राम होते हैं ना, मोबाइल की PCB बोर्ड, तो ये भी यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पे आपको रोज़ाना पोस्ट भी मिलेगी, जैसे कि नए नए अपडेट आने वाले होते हैं तो वहाँ यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।